नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार झारखंड के लोक नृत्यों को नृत्य शक्ति से मिलेगा बढ़ावा। बिहार के 6 IAS अफसर जाएंगे ट्रेनिंग पर। बिहार में 3000 से ज्यादा जगहों पर बनेगा पंचायत सरकार भवन। राबड़ी देवी ने लालू यादव का दिया हेल्थ अपडेट। अब बिहार से सीधा जा सकेंगे वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार झारखंड के लोक नृत्यों को नृत्य शक्ति से मिलेगा बढ़ावा। बिहार और झारखंड के NCC निदेशालय ने यहां की समृद्ध कला संस्कृति और विविधता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखने का बेहतरीन काम किया है। इसी को और आगे बढ़ाते हुए अब सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने नृत्य शक्ति सीजन 1 के प्रोमो वीडियो और लाइव वोटिंग के उद्घाटन के मौके पर प्रेमचंद रंगशाला में कई बातें कही, जहां पर इन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड के NCC निदेशालय ने यहां की समृद्ध कला संस्कृति और विविधता को जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा है उसका हम सम्मान करते हैं। बिहार झारखंड के लोक नृत्यों को नृत्य शक्ति में बढ़ावा मिलेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड भोपाल ने निकाली रिक्तियां। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भोपाल ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 55 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 23 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bsnl.co.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्री हो जाए खुश। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बरौनी कटिहार रेलखंड से होकर कटिहार जंक्शन से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के बाद से इन ट्रेन का परिचालन बंद था, लेकिन अब फिर से इसको शुरू कर दिया गया है। यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए ही भारतीय रेल मंत्रालय ने कटिहार पुरानी दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस को फिर से चलाने का फैसला किया है। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन 14 जुलाई से सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ये ट्रेन कटिहार से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 7:50 पर प्रस्थान कर अगले दिन पूर्वाहन 11:45 पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। वहीं पुरानी दिल्ली से ये ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को शाम 4:35 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 6:20 पर कटिहार पहुंचेगी। बिहार के 6 IAS अफसर जाएंगे ट्रेनिंग पर। बिहार कैडर के IAS अफसर अब ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के 6 IAS अफसरों को मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में 18 जुलाई से 12 अगस्त तक भेजा जा रहा है। जिन अधिकारियों को ट्रेनिंग में जाना है उसमें पटना के कमिश्नर और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि भी शामिल है। कुमार रवि के अलावा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी, भागलपुर के कमिश्नर दयानिधान पांडे, छात्र एवं युवा कल्याण के निदेशक विनोद सिंह गुंजियाल, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार और कला संस्कृति विभाग के अपर सचिव दीपक आनंद शामिल हैं। बिहार में यहां पथ निर्माण मंत्री देंगे NH की सौगात। बिहार में सड़कों के जीर्णोद्धार का काम बिहार की नीतीश सरकार कर रही है। इसी कड़ी में अब जल्द ही बिहार के पश्चिम चंपारण में विकास की रफ्तार भी तेज होने वाली है। बीते दिन ही इस रफ्तार में नया आयाम जुड़ गया है। इसको लेकर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके तहत अब बेतिया से नरकटियागंज तक NH का निर्माण होने जा रहा है। 20 जुलाई के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन इसका शिलान्यास करेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लगभग 235 करोड़ की लागत से NH का निर्माण कराया जाएगा, जिससे इलाके में विकास की गति तेज होगी। खासकर चनपटिया को व्यापार हब बनाने की योजना को गति मिलेगी। इतना ही नहीं, बेतिया अब UP और असम से सीधा जुड़ जाएगा। तास के गुप्तेश्वर धाम गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से होता आ रहा है। इस गुप्ता धाम के संबंध में वर्णित है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने की शक्ति का वरदान दिया था। भस्मासुर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। वहां से भागकर भोले यहीं की गुफा के गुप्त स्थान में छुपे। भगवान शिव की इस विवशता को देखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया था। हालांकि गुप्ता धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। राबड़ी देवी ने लालू यादव का दिया हेल्थ अपडेट।
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत इन दोनों ठीक नहीं चल रही है। तीन जगहों पर हड्डी टूटने के बाद उन्हें आनन फानन में दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। इसी बीच जहां एक तरफ तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा की है, तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने भी अपने समर्थकों से अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस की दुआ कीजिए कि अध्यक्ष जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के तरफ से साझा किए गए बयान के अनुसार अभी पिता लालू प्रसाद यादव की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी बॉडी में अभी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता के हेल्थ को लेकर यही कहा है कि अभी फिलहाल उनकी स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है, स्थिति अभी गंभीर है। बिहार में इस बार कमजोर पड़ा मॉनसून। कुछ समय पहले बिहार में हुई अच्छी बारिश अब भीषण गर्मी में तब्दील हो गई है। जून से लेकर के 5 जुलाई तक यानी कि महज 35 दिनों में 190.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 29 मिलीमीटर कम है। वहीं जुलाई में 5 दिनों के दौरान 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मॉनसून पूरी तरीके से सुस्त बना हुआ है। आलम कुछ यूं है कि 10 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि इस दौरान पटना समेत प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही छिटपुट बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं बिहार में मॉनसून के कमजोर होते ही पटना समेत कई जिलों में गर्मी का सितम भी बढ़ गया है। बिहार में 3000 से ज्यादा जगहों पर बनेगा पंचायत सरकार भवन। बिहार में विभिन्न स्थानों पर जल्द ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के 3500 जगहों पर नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण जल्द ही होगा। वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 2200 से अधिक जगहों पर निर्माण कार्य जारी है। यहीं पर 1600 से अधिक जगहों पर काम भी पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि अब अगले वित्तीय वर्ष में 8000 जगहों पर पंचायत सरकार भवन की स्थापना की जाएगी, जिसकी जानकारी बीते दिन खुद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। पंचायती राज मंत्री की माने तो SSC के माध्यम से सरकार ने 3100 पंचायत सेवकों की बहाली की है। पंचायत सेवक की कमी के कारण यहां कार्यालय नहीं चल रहा था, लेकिन अब इस काम में तेजी लाने की तैयारी हो रही है। कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एक और नए वेरिएंट की चेतावनी ने अब सभी के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोरोना की तीन लहरों में हुए नुकसान की घंटी एक बार फिर से लोगों के जहन में डर पैदा कर रही है। और ये चेतावनी किसी भी मेडिकल संस्थान की तरफ से नहीं आई है, बल्कि कोरोना के नए वेरियंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुद ही चेतावनी जारी की है, जिसके तहत ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम गैब्रेसस ने हाल ही में कई बातें कही, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि भारत सहित विभिन्न देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के एक नए उप वेरियंट BA.2.75 का पता चला है, जिसका अनुसरण विश्व निकाय विकास कर रहा था। कोरोना पर वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए मामलों में पिछले 2 हफ्तों में लगभग 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। WHO उपक्षेत्र में से 4 में से पिछले सप्ताह मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। नैनो यूरिया फसल और पर्यावरण सुरक्षा के लिए वरदान। बिहार के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिहार मुदित मणि इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक सोमेश्वर सिंह ने नैनो यूरिया के महत्व के साथ संतुलित उर्वरक के बारे में जानकारी दी। इसको लेकर DNS क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पटना में CSC और इफ्को की तरफ से नैनो यूरिया आधारित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस बाबत ही मुदित मणि ने बताया कि फसल और पर्यावरण सुरक्षा के लिए नैनो यूरिया वरदान है। उन्होंने CSC के महत्व और कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डायल 112 पर पहले दिन इतने मामले हुए दर्ज। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत शुरू किए गए डायल 112 पर बिहार के अलग अलग इलाकों से लोगों को खूब कॉल आ रहे हैं। उद्घाटन के बाद से कई जगहों पर लोगों ने फोन किया है। इस दौरान किसी ने मदद मांगी तो किसी को जरूरी सूचना भी दी गई। हालांकि कई ऐसी खबरें भी आई कि लोगों ने फेक कॉल तक किया था। SP एडमिन शैली धुरत साबला राम ने इस बाबत जानकारी दी है और पहले दिन डायल 112 पर बहुत सारे कॉल आए हैं। उन्होंने बताया है इसमें सबसे ज्यादा कॉल 11 कॉल पटना जिले से थे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कुल 115 केस डायल 112 में दर्ज किए गए। चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस और एक जगह पर हुए एक्सीडेंट के बारे में कॉल पर जानकारी दी गई थी। हालांकि सबसे अधिकांश कॉल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किए गए थे। मंत्री नितिन नवीन ने कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण। अब बस कुछ ही दिनों में श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में बिहार सरकार मेले को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच बीते दिन कांवरिया पथ की हालत का जायजा लेने के लिए खुद बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सुल्तानगंज पहुंचे थे। इस दौरान ही उन्होंने कांवरिया पथ पर अपनी गाड़ी दौड़ाई और जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अतिशीघ्र कांवरिया पथ की मरम्मत का निर्देश दिया है। भागलपुर के DM सुब्रत सेन समेत अन्य अधिकारी और नेता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान ही उन्होंने कांवरिया पथ को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि टूटी फूटी सड़कों के पैचिंग का काम पहले किया जाएगा, इसके साथ ही कच्ची कांवरिया पथ को भी जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। ढाबा खोलने की कर रहे हैं तैयारी। बिहार सरकार देगी 50 लाख रुपए तक की मदद।
अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और आने वाले समय में बिहार में अपना व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं और उसमें भी आप ढाबा शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बिहार सरकार अब राज्य में ढाबा खोलने पर 50 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने दूसरे राज्य से बिहार में प्रवेश करते ही सड़क किनारे लग्जरी ढाबा जैसी सुविधा देने की योजना बनाई है। इसके तहत पर्यटन विभाग 3 वर्षों में 150 से अधिक लग्जरी ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे ऋचा सोनी की। ऋचा सोनी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है। उन्होंने शरद से डेब्यू किया था। वो रंग के डेली सोप भाग्य विधाता में अपनी भूमिका बिंदिया के लिए जानी जाती है। वो नचले वे विद सरोज खान, सीजन 2, बदलते रिश्तों की दास्तान, जमुनिया, जाट की जुगनी, हम नवाज, आधा फूल, सिया के राम और मुस्कान जैसे शोज में भी नजर आ चुकी है। उन्होंने द साइलेंट स्टैचू कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित जैसी लघु फिल्म भी की है और उन्होंने द्वितीय झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है और अनुभवी विद लव का प्रीमियम हंगामा प्ले पर आया था। आपको बता दें ऋचा सोनी का जन्म आज के दिन हुआ था। फाइलेरिया और मूलन में इनकी भागीदारी अहम। बिहार से फाइलेरिया को खत्म करने की होड़ में लगी बिहार की नीतीश सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी लगातार इस मामले में काम कर रहे हैं। इसी बीच अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद ही राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित सामूहिक दवा सेवन और फाइलेरिया कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान कई बातें कही, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि फाइलेरिया और कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिए जन समुदाय और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक है। जन जागरूकता से फाइलेरिया और कालाजार रोग का उन्मूलन कर स्वस्थ एवं समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। मौके पर उन्होंने इन बीमारियों के संबंध में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा दिए गए ऑडियो वीडियो संदेश को भी राज्य के लिए जारी किया। अब बिहार से सीधा जा सकेंगे वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से खाड़ी देश के अलावा धर्मनगरी, गया से दक्षिण पूर्व एशिया देश जैसे बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर के लिए कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के विकल्प तलाशने के सुझाव दिए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को इसके अलावा भागलपुर, सहरसा, बीरपुर, किशनगंज और वाल्मीकि नगर से छोटे हवाई अड्डों की सक्रिय करने का भी प्रस्ताव दिया है। बीते दिन बिहार सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिससे उम्मीद है कि आने वाले में बिहार में पर्यटन को और ज्यादा विकसित किया जा सकेगा, क्योंकि अब विदेशों से सीधी विमान सेवा होगी, जिससे यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आज दोपहर से पटना के गांधी मैदान में आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। बकरीद का त्यौहार 10 जुलाई को मनाया जाना है। इसको लेकर बिहार में अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसके तहत ही पटना के गांधी मैदान को 8 जुलाई की दोपहर से ही आम लोगों के लिए बंद करने की तैयारी हो रही है। यानी कि अब 9 और 10 जुलाई को गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद अब जाकर सभी त्योहारों को फिर से सही ढंग से मनाया जा रहा है। हालांकि अभी बिहार में कोरोना का असर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सार्वजनिक रूप से बकरीद को मनाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने लालू यादव से की मुलाकात। बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली एम्स में भर्ती है, जहां पर ही लगातार कई बड़े चेहरों का आना जाना लगा हुआ है। उनकी तबीयत का हाल चाल जानने वालों में एक नाम नित्यानंद रॉय का भी देखने को मिला। बीते दिन लालू यादव की सेहत का अपडेट लेने खुद नित्यानंद रॉय दिल्ली एम्स पहुंचे, जहां पर ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। उन्होंने एम्स में लालू प्रसाद से मिलकर बाहर आते वक्त बताया कि लालू प्रसाद यादव के अस्वस्थता की सूचना मिलने पर उन्होंने 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना था। गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास और तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए शतरंज जरूरी। बच्चों को मानसिक रूप से विकसित करने और उनकी तार्किक क्षमता को बढ़ाने और योजना बनाने और बेहतर ढंग से सोचने और कार्य करने की क्षमता का विकास करने में शतरंज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बातें बीते दिन राज्यपाल फागू चौहान ने कही है। इसको लेकर उन्होंने आगे यह भी कहा कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत में विश्व शतरंज ओलंपियाड का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। विश्व शतरंज महासंघ द्वारा 44वीं शतरंज ओलंपियाड का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शतरंज पर जोर देते हुए कहा है कि हर बच्चे को शतरंज खेलना आना चाहिए। सच्चिदानंद रॉय ने किया ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव में करेंगे ये। सारण से निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद रॉय ने जीत के साथ ही खूब वाहवाही बटोरी थी, जिसके बाद अब सारण के निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद रॉय ने साल 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए सारण के निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद रॉय के छोटे बेटे कुमार सत्या की अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान किया है। जनता
इस बाबत उन्होंने आगे कहा कि जनता ने साथ दिया तो कुमार सत्याकी महाराजगंज से अच्छे सांसद के रूप में आम लोगों की आवाज बनेंगे। सारण निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी को मांझी प्रखंड के मुखिया मनीष सिंह के साथ लगभग 10 पंचायत के लोगों द्वारा सम्मानित भी किया गया। सम्राट चौधरी के निशाने पर आई ममता दीदी। विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर इन दिनों काफी बवाल देखने को मिल रहा है। खासकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब इसकी आंच बिहार में भी दिखाई देने लगी है। बीते दिन ही इस मामले को लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया, जिसके तहत इन्होंने कहा कि टीएमसी प्रमुख सिर्फ बंगाली अस्मिता का दिखावा करती है। ये बात साबित हो गई है। अब उनकी सांसद हिंदुओं का भावनाओं को भड़काने वाला बयान देती है और ममता बनर्जी इस पर चुप है, जो बताता है कि वो उनके बयान का समर्थन कर रही है। मां काली को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रपट 1918 में प्रकाशित की गई। ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड केनिन ने 1858 में शांति की घोषणा की थी। 170 सदस्यीय दल के साथ समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए वास्को डिगामा यूरोप से 1497 में रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में विश्व की सबसे बड़ी नहर पंजाब की भाखड़ा नंगल पर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 2005 में समूह 8 के देश में सहमति बनी। असम में भयावह बाढ़ ने 2012 में विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गैंडों समेत 500 से अधिक वन्य प्राणियों को लील कर लिया। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री काला पत्थर दीवार नीतू सिंह का जन्म 1958 में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सौरव गांगुली का जन्म 1972 में हुआ। भारत के नवे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन 2007 में हुआ। बिहार में मिले कोविड-19 के 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 343 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1573 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 6, औरंगाबाद में 1, बांका में 9, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 25, भोजपुर में 4, बक्सर में 1, दरभंगा में 7, ईस्ट चंपारण में 2, गया में 2, गोपालगंज में 1, जमुई में 3, जहानाबाद में 4, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 16, किशनगंज में 6, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 6, नालंदा में 7, नवादा में 1, पटना में 186, पूर्णिया में 15, रोहतास में 7, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 2, सारण में 10, शेखपुरा में 4, वैशाली में 3, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा 2 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार में ही कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,23,406 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 158 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। विराट कोहली के खराब फॉर्म पर इंग्लिश दिग्गज माइकल वॉन ने दी सलाह। विराट कोहली की पारियां इन दिनों सवालों के घेरे में बनी हुई है। इसी बीच कोहली के संघर्ष को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि कोहली को लाइमलाइट से दूर रखना चाहिए, क्रिकेट से 3 महीने का ब्रेक लेना चाहिए और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। वॉन ने कहा कि मैं विशेष रूप से विराट को देखता हूं। मुझे पता था कि आईपीएल के अंत में उन्हें थोड़ा आराम मिला था, लेकिन मुझे उसे देखकर ये लगता है कि उसे विश्राम की जरूरत है। ऐसा लगता है कि उसे क्रिकेट से 3 महीने दूर रहना चाहिए। जाओ और समुद्र तट पर बैठो, उन्होंने कहा कि जाओ और वो करो जो अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, सोएब अंसारी, अनवर करीम, कुश कुमार यादव, मनोज यादव, रविशंकर, निभास यदुवंशी, विशाल कुमार शर्मा, अवधेश कुमार, संजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का आपका सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।